संकेत और भी अभी स्वाभाविक मन में आया कि वैसे आते जाते कभी थोड़ा तनाव दुखना हो जाता है, लेकिन महीने में प्रयास रहेगा एक ऐसा दिन हो जब रात यहाँ हो तो सुबह के समय ये एक डेढ़ घंटा गीता पाठ और उसी में ये सब मिल भी लिया करें। और वो भोर का समय है, गीता पाठ, कुछ समय ध्यान और कुछ समय भगवान का नाम, ताकि पांच दिन जो ध्यान साधना शिक्षा लगी थी हमें इस बार ठीक लगा करना। में जो पांच दिन का सत्संग था सायकाल, तो सर्दी में भी नहीं, लेकिन प्रातःकाल जो 6:30 बजे जो ध्यान साधना का सत्र था, उससे लगा कि ध्यान के प्रति लोगों में ये जागरूकता है। और हमने भी कोविड में एक बार आप खुले से आह्वान किया था सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि ध्यान से बढ़ के, मेडिटेशन से बढ़ के कोई दूसरा टॉनिक नहीं है, और हवन यज्ञ से बढ़कर कोई दूसरा सैनिटाइजर नहीं है। और ये हमारे भारतीय ऋषियों की जो एक देन है, ये वास्तव में ये आजमाने योग्य है, इसको हम आजमा के देखें। मेडिटेशन से बढ़कर कोई टॉनिक नहीं दुनिया में, और हवन यज्ञ से बढ़कर कोई सैनिटाइजर वातावरण की शुद्धि के लिए नहीं है। इसलिए गीता यज्ञ का भी आह्वान किया गया कि घर घर में वो छोटा सा यज्ञ हो और मेडिटेशन का एक भाव हो, तो इसको भी एक बार व्यवहार में लाने का प्रयास रहेगा। मेरे नाम मैं आपको गुरु नहीं, मेरे नाम मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहे, मेरे नाम आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। श्री कृष्ण कृपा सब प्रकार से आप सब पर बनी रहे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ श्री कृष्ण कृपा सेवा धाम की प्रबंध समिति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौशाला समिति से भी आए हुए हैं सब, गौशाला समिति के लिए अन्य अन्य संस्थाएं, सनातन धर्म मंदिर से के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी जो संस्थाएं जो शुभेच्छु जनान हैं सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मीडिया बंद हो गए यहाँ से सर्दी में आए, आप सबके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री।